हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैं कन्हैया जी का श्रृंगार कर चुकी हूँ, और शायद कन्हैया जी का श्रृंगार पहले आ जाए, इनका बाद में आए, तो जो भी होगा आप लोगों के सामने ही होगा। तो अब मैं राधा जी का श्रृंगार करने जा रही हूँ, और इसमें भी आपकी चीज़ जो है वो नहीं है, तो आप लोग परेशान ना हो। चलिए, तो हम अपनी वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। और मैंने ना लहंगा ये बांधा नहीं है, सिर्फ ब्लाउज पहना के और इसे रख दिया था, ताकि मैं सोच रही थी कि मैं इन्हें आप लोगों के सामने ही बांध दूँ जी। तो ऐसे कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, पूरी कोशिश कर रही हूँ श्रृंगार करने की। मैं थोड़ा सा तो दिक्कत होगी, और चलें कोई नहीं, तो मैं ये लहंगा टक कर दूँ। तो ब्लाउज़ मैंने पहले पहना दिया था, इसके नीचे इनको मैं इनर पहना के रखती हूँ। किसी का कमेंट आया कि दीदी इनका पीछे से सारा खुला रहता है। नहीं, उनका कमेंट ये था कि पीछे से तो सारा खुला था, आगे से लहंगा पहना के क्या किया, मतलब ऐसे कुछ कमेंट था। तो देखिए, दुकानों पर ऐसे लहंगे आते ही नहीं हैं कि विग्रहों को आप पीछे तक वो अच्छे से चले जाएं, कहीं नहीं आते ऐसा लहंगा। एक बार मैंने खाटू श्याम मंदिर पर एक शॉप पर देखा था, तब मेरे युगल सरकार बहुत छोटे थे, तो मुझे उस लहंगे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वहाँ देखा था वो पीछे भी आ जाता। कुछ कुछ लहंगे आते हैं जिनमें नहीं आते, फिलहाल ये पीछे से इनर पहने रहती हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनर पहने रहती हैं। तो हम मैंने सेम जो है वो कमरबंद पहनाएंगे, जो कि मैंने जन्माष्टमी पर ख़रीदा था। और मैंने अभी इनके लिए ये नई शॉपिंग नहीं की है, ये मैं ड्रेस लाई थी वृंदावन से, जो कि रखी हुई थी, इनने अभी तक पहनी ही नहीं थी। स्पेशली शरद पूर्णिमा के लिए मैं लाई भी थी, क्योंकि ये वाइट कलर की थी। वैसे इनके पास वाइट कलर की ड्रेस एक और है, वो भी बहुत प्यारी है, और वो इनके आने से पहले ही जो है वो आ गई थी, तो मैं आपको स्टोरी अब बता नहीं पाई। वो ड्रेस भी हम लोग खाटू श्याम से ही लाए थे। हाँ फ्रेंड्स, वो ड्रेस हम लोगों ने खाटू श्याम से ही ख़रीदी थी, और इनके ऑर्डर देने के पहले ख़रीद ली थी, उसके बाद ये लोग आए हैं। पता नहीं क्यों ले ली थी वो ड्रेस मैंने, वो वैसे जैसे गर्म वाली ड्रेस खरीदी फ्रेंड, ऐसे वो ड्रेस भी आ गई थी। तो ये जो है मैंने इनको कमरबंद पहना दिया है। अब हम इनको जो है वो हार पहनाएंगे, तो मैं देखती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने हार क्या पहनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स उसका एक हार ना मिल नहीं रहा है, तो मैं ये पिंक कलर का ये हार पहना दूँ, ये भी प्यारा लग रहा है, पिंक और वाइट अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा क्या ना फ्रेंड्स, बैठाने में मुझे दिक्कत हो रही है, और फ्रेंड्स आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी कुछ लोगों कमेंट आए थे, दीदी आप बोलती बहुत हैं, और बोला कम करिए, काम थोड़ा ज़्यादा करा करिए। अब देखिए, अगर मैं शांत हो जाऊँगी, कुछ बोलूँगी नहीं, तो वीडियो ना बोरिंग सी हो जाएगी, बहुत ही अजीब सी वीडियो हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपको अच्छी लगे और लोगों को अच्छी ना लगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग हैं और सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक परिवार में होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये ठीक से बंध नहीं पाया, मैं समझ सकती हूँ कि ये बंधा नहीं है, तो मैंने ये पहनाऊँगी नहीं। मैं सोच रही हूँ मैंने ये गोल्ड वाला पहना देती हूँ जी। तो मैंने ये गोल्ड कलर का एक हार है शॉर्ट, जो कि मैंने ये पहनाऊँगी। इसके बाद इन्हें मैं माला पहनाऊँगी, वाइट मोतियों की माला। श्रृंगार इनका भी मिक्स एंड मैच करने का सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहनना चाह रही। इनफैक्ट ये असली थोड़ी सी मुझे इन पे बड़ी लग रही है, तो कोई नहीं, ये मैंने इन्हें जो है शॉर्ट हार पहना दिया है। अब मैं इन्हें कंगन धारण करा दूँ, कंगन बाद में धारण करूँ, पहले मैंने माला पहना दूँ। तो माला, जैसे कि ये माला मैं मोती लाई थी, मैंने घर में ही तैयार की हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसी को हैवी करके पहनाती हूँ, बहुत ही प्यारी लगेगी इनके ऊपर जी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत ही प्रिटी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है ये माला इनके ऊपर। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सिंगल माला भी मैं पहना के देख लेती हूँ, क्योंकि हार के वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि ये अच्छी ना लगे। ये भी ठीक लग रही, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी पहले, ये वाली
ये थोड़ा सा कम अच्छी लग रही है, इसको डबल करके पहना के देखते हैं, हो सकता था वो अच्छी लगने लगे जी। तो ये ठीक लग रही है, ये डबल भी हो गई है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, थोड़ा बड़ी हो रही है। तो इसे हम लोग साइड में करते हैं, हम लोगों ने यही पहनाएंगे क्योंकि देवी जी जब हमारी शरद पूर्णिमा के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगी, बहुत ही प्यारी लगेंगी और ये तो हर रूप में बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने इन्हें जो है वो माला पहनाई है। अब मैं इन्हें इनके कंगन पहना दूँगी। कंगन मैंने पिंक कलर की पहना रही हूँ, जैसे कि मैंने ठाकुर जी को पहना रखे हैं, कन्हैया जी को जी। तो मैंने कंगन भी पिंक कलर के पहनाऊँगी। और थोड़ा सा क्या है ना, ये गोरी गोरी सी हैं, कन्हैया जी में वाइट कलर एकदम हाईलाइट हो रहा था जी। तो ये मैंने इन्हें कंगन पहना दिए हैं। अब मैं इन्हें इयरिंग पहनाऊँगी। इयरिंग सेम मोती के बना के पहनाऊँगी, जैसे कि मैंने उनको पहनाए हैं जी। तो सोच रही हूँ डबल पहना देती हूँ क्योंकि हो सकता है इन पे अच्छे ही ना लगें, सिंगल तो उन पे तो अच्छे लग रहे थे, इन पे थोड़ा सा दब जाएंगे। तो सोच रही हूँ डबल करके पहना देती हूँ आज की वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के जीजू नहीं हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीजू आप लोगों के थोड़े से काम में बिजी हैं इस समय। तो जैसे ही फ्री होंगे शरद पूर्णिमा वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, मतलब आपके जीजू जी और हम सब मिलेंगे, क्योंकि वो पूजा में तो साथ में रहेंगे तो वो उसमें ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने इन्हें इयरिंग पहना दिए हैं, इसी की मोती की मैंने अंगूठी भी पहनाऊंगी क्योंकि कन्हैया जी को मैंने सेम अंगूठी पहनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने भी सेम पहना दूँ ताकि कन्हैया जी जो है वो ये ना समझें कि नहीं हमें तो ऐसा पहनाया, इनको ऐसा क्यों पहनाया। और बिंदी भी सोच रही हूँ वाइट लगा दूँ क्या, पन्नी कहाँ कर दी मैंने, देखती हूँ फ्रेंड्स लगाती हूँ कि नहीं और इन पे अच्छी लगेगी कि नहीं, ये तो यही डिपेंड करके बताएंगी, इन्हीं पर निर्भर करता है सब कुछ, इनकी पसंद पर। तो फ्रेंड्स अगर कोई कमी रह जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं ठीक करने की कोशिश पूरी करूँगी। आप लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती। तो कैसी लग रही है फ्रेंड्स, मुझे तो थोड़ा सा उठी हुई लग रही है। डेफिनेटली बात है कि ये बिंदी नहीं मोती है तो उठा लगेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। कहाँ गया? तो फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो आप बताएं फ्रेंड्स कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा। तो ये इनको नोज में पहना देते हैं, कहीं नहीं तो कहीं तो ये अच्छा लगेगा, कहीं पहना देते हैं। अब इसमें ना फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो गई, अब ये चिपकेगी नहीं, तो मुझे रज लगानी पड़ेगी। तब तक मैं दूसरी रज लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने इन्हें वाइट कलर की ही नथ पहना दी है। बाहर से जुलूस वगैरह कुछ निकल रहे हैं फ्रेंड्स, उसकी आवाज़ हो रही है, तो डोंट माइंड, कोई परेशान ना हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ शोर यहाँ तक आएगा ज़रूर। तो ये बिंदी मैंने इन्हें रेड लगा दी है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी श्रृंगार में बहुत ही प्यारी लग रही हैं ये। एकदम से ना लहंगा कम गाउन ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि पिंक कलर का गाउन इन्होंने पहन लिया हो। तो ये मैंने चोटी लगा दूंगी जी, और इसके बाद हम इन्हें चोटी को कर देंगे आगे। इनकी चोटी मैंने भी वाइट फूल लगा दिया। और अब मैंने मांग में जो है वो मांग का टीका पहनाऊंगी। इस बार कहने का मतलब माथा पट्टी या वो चंद्रिका वगैरह ना लगा के मांग टीका पहनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर माइंड ना करें तो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ कर लेती हूँ क्योंकि मैं देख के सेट कर पाऊँगी, ऐसे थोड़ा सा सेट करना ना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे।
जी, तो ये मैंने इन्हें मांग टीका पहना दिया है वाइट कलर का, जो कि इनकी ज्वेलरी से और ड्रेस से एकदम बढ़िया मैच कर रहा है। बढ़िया मतलब अच्छा वाला मैच कर रहा है जी। तो ये मैंने इन्हें पहना दिया, अब मैंने दुपट्टा ओढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ना ये दुपट्टा आया था जो कि मेरे को बड़ा ही अजीब लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इनको देने में। तो मैं दूसरी ड्रेस का दुपट्टा लाई हूँ जो कि मैं इन्हें दूँगी, तो मैं इन्हें ये रेड दुपट्टा दूँगी जो कि इन पर बहुत ही प्रिटी लगेगा। और वाकई बहुत अच्छी लग रही है दुपट्टा ओढ़ के। और कुछ लोग कमेंट आया था कि दीदी इनका हैवी ब्राइडल सिंगार करें, तो कोशिश करूँगी, करती हूँ, कोशिश करूँगी मैं पूरी कि इनका हैवी ब्राइडल सिंगार भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ बहुत जल्द। लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि इस समय फेस्टिवल चल रहा था तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो इनके हाथों में फूल का एक गुलगस्ता दे दूँ ताकि जब ये कन्हैया जी से मिले, तो कन्हैया जी के लिए कुछ गिफ्ट हो उनके हाथों में, तो गुलगस्ता ही हो कुछ नहीं तो जी। और आप लोग शरद पूर्णिमा पे क्या क्या कर रहे हैं मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। और जैसे कि अभी नवरात्रि समाप्त हो गई है, तो अभी नवरात्रि की बड़ी याद आ रही है। अभी से हम लोग इंस्टाग्राम पे इतना धमाल मचाए हुए थे, वो सारा धमाल जो है वो ख़त्म हो चुका है इंस्टाग्राम का, तो कुछ नहीं ठीक है, सब चलता रहता है, त्यौहार आते जाते रहते हैं, और जब दोबारा आएगा तब हम लोग दोबारा देखेंगे, क्योंकि हम लोग बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के एक दूसरे की फ़ोटो शेयर करके देख देख के एक दूसरे की फ़ोटो को लाइक कर रहे थे। अब तो हो नहीं पा रही है फ्रेंड्स, तो ये फूल मैं सोच रही हूँ इनको यहाँ दे दूँ, तो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो नहीं अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा, मैं हटा दूँगी, कोई ज़िद नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारी राधा प्यारी का ये श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट लाइक और बताता है कि हाँ आप वीडियो को जो है वो पसंद कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का कमेंट आएगा, जाओ नहीं करेंगे लाइक, नहीं करेंगे सब्सक्राइब, क्या कर लेंगे, तो कुछ कोई कुछ नहीं कर लेता है। इस टाइप के कमेंट आते मुझे हंसी आती है बढ़ के कि इतनी कड़वाहट क्यों, क्यों ज़िंदगी में हमने इतनी कड़वाहट भर ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई नहीं, ये हमारी राधा जी शरद पूर्णिमा के लिए परफेक्ट तैयार है। आपको परफेक्ट लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, कहीं कोई कमी लग रही है तो वो भी बताएगा, सुधार करने की कोशिश की जाएगी, चालू रहती है, क्योंकि आदमी को अपनी कमियाँ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, उससे सुधार भी कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग को अपनी जिया जी की कमी बिल्कुल खल रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। तो जिया जी जो अब आपके मिलेंगे आपको शरद पूर्णिमा वाली वीडियो में, क्योंकि हम लोग उसमें पूजा करेंगे, तो पूजा में वो ज़रूर से रहेंगे, कितने भी व्यस्त हो लेकिन पूजा में ज़रूर रहेंगे। तो अभी दोनों वीडियो में नहीं आए हैं, इसके लिए बहुत कमेंट आएंगे मैं समझ सकती हूँ, और मुझे भी फील हो रहा है कोई नहीं फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।